Hello friends, welcome on my YouTube channel Microbiology by Santosh Nagte. Friends, if you are not subscribed this Microbiology by Santosh Nagte, so don't forget to subscribe this YouTube channel, because I am going to upload different types of videos that is regarding to microbiology as well as job openings or job vacancies in different industries, including pharmaceutical industries, research, then food industry, dairy industry, as well as clinical research, or including quality control and quality assurance. So if you are watching first time this YouTube channel, so kindly subscribe this channel so that you will get notifications regarding upcoming videos. And aaj ke is video mein alag alag vacancies yahan pe hum dekhne wale hain, jaise ki कुछ अलग अलग वैकेंसीज डायग्नोस्टिक सेंटर में निकली है, माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है, केमिस्ट्री जॉब सेकर्स के लिए भी यहाँ मैं जॉब वैकेंसीज बताने वाला हूँ. देन कुछ वैकेंसीज क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में है, एंड देर आर सम वैकेंसीज इन डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी और फूड इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग दिस MBA. एंड there are some vacancies are also there in the clinical research, having those students who are qualified as a B Pharm or M Pharm, such candidates have these job openings. So one by one we are going to see here. The first one is the Vijaya Diagnostic Center Limited, Hyderabad. Yahan pe walk-in interviews hai, and these interviews are held on Saturday and Sunday, that is tomorrow and day after tomorrow, that is on 13th October 2021 and 31st October 2021. And jo time hai wo hai 10 am to 4:30 pm. And alag alag positions yahan pe hai, vacancies yahan pe hai, jaise ki sample collection ke liye phlebotomist hone chahiye, aur jo minimum experience chahiye ye 2 saal ka, qualification jo chahiye ye DMLT MLT aur BSc MLT. Uske baad x-ray technicians hai, male female, एंड एक्सपीरियंस जो चाहिए वो 1 ईयर और उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस. क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो है DMIT और डिप्लोमा इन एक्सरे. उसके बाद लैब टेक्नीशियंस की वैकेंसीज है. क्वालिफिकेशन अगर स्टूडेंट्स की बायोकेमिस्ट्री या हिमेटोलॉजी या क्लिनिकल पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी है, और एक्सपीरियंस अगर 2 साल से 10 साल तक है तो उनके लिए वैकेंसी है. लैब मैनेजर की पोस्ट यहाँ पे है, एक्सपीरियंस चाहिए, पोस्ट बड़ी है तो एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए. तो एक्सपीरियंस जो चाहिए वो 7 to 10 ईयर्स, और जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है BSc MSc MLT और लाइफ साइंसेस. देन ब्रांच मैनेजर एक्सपीरियंस 5 to 8 ईयर्स, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट. देन मैनेजर अगेन पोस्ट यहाँ पे है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, और एक्सपीरियंस जो चाहिए वो चाहिए 10 to 12 ईयर्स. उसके बाद मैनेजर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस जो चाहिए ये 12 to 15 ईयर्स, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ये क्वालिफिकेशन चाहिए. तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग पोस्टिंग यहाँ पे इस विजय डायग्नोस्टिक सेंटर हैदराबाद में ओपनिंग्स है या फिर वॉक इन इंटरव्यूज है. तो आप इस इंटरव्यू पे जा सकते हो, और अलग अलग लोकेशंस यहाँ पे है इंटरव्यू के लिए. ये दिलसुख नगर, ये एड्रेस दिया है पूरा. उसके बाद SD रोड, देन सुचित्रा, तो ये अत्तापुर एंड कुकटपल्ली. सो यहाँ पे ये अलग अलग लोकेशन से इस अलग अलग पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू के लिए. तो आप जरूर यहाँ पे अटेंड करिए, और ध्यान में रखिए कि ये इंटरव्यू कल एंड परसों के लिए है. तो ये हो गया वैकेंसीज विजया डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड हैदराबाद में. उसके बाद ये कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये वैकेंसीज है, केमिस्ट्री जॉब सीकर्स के लिए. मातंगी ये कंपनी का नाम है और इंडस्ट्री का नाम है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इन्हें जो पोजिशंस यहाँ पे ओपन है वो है हेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो BSc और MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड PhD एक पोजीशन यहाँ पे है, और मिनिमम एक्सपीरियंस जो है ये काफ़ी बड़ा चाहिए, 15 इयर्स का एक्सपीरियंस केमिकल इंडस्ट्री में होना चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट जो है ये मेन पोस्ट है, हेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पोस्ट है. उसके बाद मैनेजर है पोस्ट क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में. जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है BSc और MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक पोजीशन यहाँ पे है, और मिनिमम एक्सपीरियंस जो है ये 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. तीसरी जो पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर ऑडिट की,
एंड सीए, ये क्वालिफिकेशन वहां पे चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक पोजीशन है और मिनिमम एक्सपीरियंस जो है ये 3 to 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ये पूरा एड्रेस यहाँ पे दिया है, आप यहाँ पे कॉल, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया है, तो अगर आप कुछ और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर से कॉल करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और यहाँ पे रेज्यूम सेंड करने के लिए ये मेल आईडी यहाँ पे दिया है, तो या इस मेल आईडी पे आप रेज्यूम सेंड कर सकते हैं या फिर इस कॉल पे आप कॉल करके आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वहां पे आप पूछ सकते हो। उसके बाद ये क्लिनिकल रिसर्च की वैकेंसीज है, केवी क्लिनिकल रिसर्च सर्विसेज, और जो पोजीशंस यहाँ पे ये फुल टाइम क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर की पोजीशंस है। और जो डेजिग्नेशन, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि सीआरसी की ये डेजिग्नेशन है, पोस्ट है, चेन्नई में है। और जो एक्सपीरियंस चाहिए ये मिनिमम 6 months का एक्सपीरियंस चाहिए और इंटर्नशिप इन क्लिनिकल रिसर्च होनी चाहिए। और जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए ये बी फार्म, एम फार्म, बीएससी, एमएससी और डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च। देन लैंग्वेजेज जो आनी चाहिए वो इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज तमिल आनी चाहिए, इंग्लिश एंड हिंदी। एंड जो जॉब टाइमिंग जो है ये मॉर्निंग 10 AM to 6 PM है, एंड दैट इज ऑन मंडे टू सैटरडे। एंड जो सैलरी है दैट सैलरी विल बी अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस एज वेल एज क्वालिफिकेशन। सो ये कंपनी डिटेल्स है, केवी क्लिनिकल रिसर्च सर्विसेज, एस्टेब्लिश्ड ईयर 2015, इंडस्ट्रियल टाइप, मेडिकल एंड हेल्थ केयर। ये एड्रेस है, दैट इज ओम, ये एड्रेस यहाँ पे दिया है उन्होंने पूरा, तो आप, और ये वेबसाइट उनकी है। एंड कॉन्टैक्ट पर्सन जो है ये मिस तारिका ठाकुर, एचआर मैनेजर, और यहाँ पे मेल आईडी दिया है जहाँ पे आपका आप रिज्यूम शेयर कर सकते हो, सीवी आपका यहाँ पे शेयर कर सकते हो। तो ये हो गई क्लिनिकल रिसर्च सर्विसेज के बारे में वैकेंसी। उसके बाद जो है बायोटेक डिवीजन में वैकेंसीज है, कैडिला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। और जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 3 to 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए पोस्ट है, और जो पोस्ट का नाम है वो है एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पे क्यूएमएस, डेविएशंस, चेंज कंट्रोल, देन ओओएस, ये पूरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी यहाँ पे। और जो लोकेशन है ये ढोलका, अहमदाबाद, गुजरात में लोकेशन है। अगर कोई आप इंटरेस्टेड हो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, तो आप इस मेल आईडी पे आप आपका रिज्यूम यहाँ पे शेयर कर सकते हो, भेज सकते हो। उसके बाद जो वैकेंसीज है, हेस्टर बायोसाइंसेस लिमिटेड में पोल्ट्री एंड एनिमल वैक्सीन डिवीजन है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट पे अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में जनरल मैनेजर की पोस्ट है, और जो एक्सपीरियंस चाहिए इस पोस्ट के लिए वो है 10 to 20 years का। क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो बी फार्म या एम फार्म। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में भी सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर की पोस्ट है, 10 या 20 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो एमवीएससी, दैट इज मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस, या फिर वायरोलॉजी में पीएचडी होनी चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर की भी पोस्ट है, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस चाहिए ये 1 to 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी होनी चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज है, और जो एक्सपीरियंस चाहिए ये 1 to 6 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए वो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद इंजीनियरिंग की भी वैकेंसीज यहाँ पे है, ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव की ये पोस्ट है। एंड जो एक्सपीरियंस चाहिए ये 1 to 8 year का एक्सपीरियंस होना। और जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो बीई मैकेनिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो ये हेस्टर बायोसेंसेस पोल्ट्री एंड एनिमल वैक्सीन डिवीजन की वैकेंसीज है अलग अलग डिपार्टमेंट में। यहाँ पे जो अदर वैकेंसीज है ये है विजयकांत डेयरी एंड फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, फूड इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री है। एंड अलग अलग डिपार्टमेंट पे अलग अलग पोजिशंस यहाँ पे है, जैसे कि टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है, और जो क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, दो पोस्ट यहाँ पे है। और जो एक्सपीरियंस चाहिए ये मिनिमम 3 to 4 year का एक्सपीरियंस होना मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में। उसके बाद क्वालिटी मैनेजर की पोजीशन यहाँ पे है, और जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो बीएससी, एमएससी केमिस्ट्री या फूड टेक्नोलॉजी। पोस्ट जो अवेलेबल है यहाँ पे एक पोस्ट है, और ये एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 4 to 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, विथ नॉलेज ऑफ आईएसओ, बीआरसी, देन एफएसएससी, एफएसएस एआई, सीएडी, पीएसी, यूआरएसए ऑडिट्स। स्टोरेज मैनेजर की भी पोस्ट यहाँ पे है, और जो क्वालिफिकेशन चाहिए ये बीकॉम, एमकॉम, बीबीए या एमबीए।
एक पोस्ट यहाँ पे है और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर एंड सैप पीपी और एमएम मॉडल में। उसके बाद मेंटेनेंस मैनेजर की यहाँ पे पोस्ट है, जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है बीई इन मैकेनिकल इंजीनियर और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर। एक पोस्ट यहाँ पे है और जो मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए ये 5 to 6 ईयर्स का होना, विथ रेफ्रिजरेशन नॉलेज ऑफ अमोनिया एज वेल एज फ्रेओन सिस्टम। अगर कोई आप में से इंटरेस्टेड है या फिर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इस रेज्यूम पे, इस मेल आईडी पे आपका रेज्यूम आप सेंड कर सकते हो। या फिर कुछ डाउट्स आपको है या फिर कॉल करना है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पूछनी है तो इस नंबर से आप इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो। उसके बाद जो वैकेंसीज है ये इप्का लेबोरेटरीज में है, रतलाम में वॉक इन इंटरव्यूज है यहाँ पे। एंड जो वैकेंसीज यहाँ पे है ये कोई क्यूसी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड क्यूए। एंड ये जो वॉक इन इंटरव्यू है ये 31 अक्टूबर 2020 को है, संडे को, इन राउ इंदौर मध्य प्रदेश में। अलग अलग पोस्ट यहाँ पे है, सीनियर ऑफिसर की पोस्ट है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, ये उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 to 7 ईयर्स का इन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में। और एनालिसिस वहाँ पे जो जॉब प्रोफाइल ये है, वेट लैब, स्टेबिलिटी इन प्रोसेसिंग लैब, और उसको एचपीएलसी या फिर जीसीईवी, ऑटो टाइट्रेटर और ये इंस्ट्रूमेंट उनको हैंडल करने आने चाहिए और ये नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। देन एनालिसिस यूजिंग फॉर माइक्रो लैब के लिए भी यह वैकेंसीज है, इंस्ट्रूमेंट्स एनालिसिस विथ एक्सपर्टाइज, वैलिडेशन एक्टिविटी, देन वैलिडेशन ऑफ स्टेरिलिटी टेस्ट एमएलटी, माइक्रोबायोलॉजिकल लिमिट टेस्ट, तो वाटर एनालिसिस, टेम्परेचर एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। उसके बाद क्वालिफिकेशन जो चाहिए इस प्रोसेस पोस्ट के लिए, बीएससी एंड बीफार्म विथ मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और एमएससी एंड एमफार्म क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, देन जनरली फ्रेशर्स कैन नॉट बी कंसिडर फॉर इंटरव्यू, बिकॉज ये जो पोस्ट है ये ओनली बीएससी और बीफार्म के लिए पोस्ट है, मतलब यूजी के लिए पोस्ट है ये। उसके बाद ये सीनियर ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में, सीनियर ऑफिसर एग्जीक्यूटिव लैब क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में ये पोस्ट है। और यहाँ पे उन्होंने मेल आईडी दिया है, अगर आपको किसी को आप इस क्वालिफिकेशन में बैठते हो, एक्सपीरियंस में बैठते हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और ये कॉन्टैक्ट नंबर भी उन्होंने दिया है जहाँ पे आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपके कुछ डाउट्स हो तो उनको पूछ सकते हो। ये वॉक इन इंटरव्यू इंदौर का जो डेट है, संडे 31 अक्टूबर 2021, 10 AM to 5 PM, और ये वेन्यू है जहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, होटल पपाया ट्री, AB रोड, नियर हरदिया आई क्लिनिक, राव इंदौर। तो ये वॉक इन इंटरव्यू का वेन्यू है, लोकेशन है जहाँ पे आप आपका इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। तो इस तरह से ये अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे हमने देखी है। फ्रेंड्स, अगर आपने ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो आगे आने वाले जो वीडियोज है, इस वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू।